व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रजत अग्रवाल एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ टेक सफारी। नाम तो सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यू ईयर की एडिटिंग करना सिखाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाई दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और आपके अपने चैनल टेक सफारी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें काफी ग्रीन स्क्रीन जो यूज हुई है और इसमें काफी वर्क करना पड़ा है। तो हो सकता है अगर आप इसको क्रॉप करके कट करके देखें तो आपके कुछ समझ में ना आ पाए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा और प्लीज अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप अपना काइन मास्टर ओपन कर लीजिए और प्लस के साइन पर क्लिक कर दीजिए। एस्पेक्ट रेशियो में चुनिए 16:9। इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, मीडिया पर जाना है। मैं आपको कुछ ग्रीन स्क्रीन्स दे दूंगा, आपको सिंपल वो डाउनलोड कर लेनी है मेरी डिस्क्रिप्शन में से और फिर आपको यहाँ चूज़ करनी है। मैं बता देता हूँ कैसे कैसे आपको चूज़ करनी है। सबसे पहले आपको स्टार का दो बार चूज़ करने हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये स्टार की वीडियोज़ है, स्काई और स्टार की। तो ये मैंने अपलोड वो इम्पोर्ट कर ली है। अब सिंपल आपको लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है। मैं आपको एक PNG दे दूंगा, PNG सिंपल आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। मैं बता देता हूँ वो कौन सी PNG है। तो सिंपल ये PNG आपको यहाँ चूज़ कर लेनी है, इसको बड़ा करना है और यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर देना है। सिंपल आपको बहुत ही बारीकी से काम करना है जिससे कि आपका इफेक्ट रियल लगे और इसको अपनी पूरी वीडियो के बराबर बड़ा कर लीजिए। अब सिंपल आपको क्या करना है, दोबारा लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है। मैं आपको ग्रीन स्क्रीन दे दूंगा जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, वो सारी आप डाउनलोड कर लीजिए और फिर धीरे धीरे यहाँ पर चूज़ कीजिए। सिंपल आपको एक ऐसी ग्रीन स्क्रीन मिल जाएगी। सिंपल आपको क्या करना है, चूज़ करने के बाद क्रोमा की पे जाना है और इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल करोगे तो यहाँ इसका जो बैकग्राउंड वो इरेज हो जाएगा और इसको लगा देना है आपको यहाँ ऊपर छोटा करके, ठीक है फ्रेंड्स। अब सिंपल आपको दोबारा लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है। एक और PNG मैं आपको दे दूंगा, सॉरी ग्रीन स्क्रीन, वो सिंपल आपको यहाँ चूज़ करनी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2019 की। सिंपल इसके भी क्रोमा की में आपको जाना है और इसको इनेबल कर देना है। अगर आपका कलर और कोई हो रहा है तो की कलर में आप ग्रीन चूज़ कर लीजिए क्योंकि इसका बैकग्राउंड ग्रीन था। अब सिंपल इसको आपको उठा के ऊपर रख देना है। थोड़ा वीडियो को आगे कर लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए एकदम ये सेंटर में कहाँ आ रहा है। सिंपल ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अपना इफेक्ट काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ये जो साइड में आपको मून दिख रहा है, अगर आपको ये और लगाना है तो आप इसमें इसकी कॉपी करके डुप्लीकेट करके और लगा सकते हैं। बट मैं इसको और नहीं लगाना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, अब धीरे धीरे इसको गायब करूँगा। गायब कैसे करूँगा, इस वीडियो की एंड में आ जाइए, मून की जो स्क्रीन है उसके एंड में आ जाइए, की पे क्लिक कीजिए, प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए और इसको पूरा एंड तक ले जाके, एक सेकंड, यहाँ पूरा एंड तक ले जाके और आपको ये थोड़ा छोटा करना है और इसको ऐसे बाहर निकाल देना है। अब चलो मैं प्ले करके दिखा देता हूँ इससे क्या इफेक्ट आया है। तो आप देख सकते हैं अपना मून जो है वो ऑटोमेटिकली चले जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम भी कर सकते हो आप। अब सिंपल आपको क्या करना है, लेयर पे जाना है, मीडिया पर जाना है। जैसी वीडियो मैंने आपको शूट करके वीडियो के शुरू में दिखाई थी वो वीडियो शूट कर लेनी है आपको, और वीडियो शूट करने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट में ट्रिम कर देता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगा, आप फोकस लगा के देखिएगा इस वीडियो को। अपनी वीडियो को मैं शुरू में ले आता हूँ और सिंपल आप देख सकते हैं ये जो वाइट वाइट साइड में दिख रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करना है जो आपकी खुद की बनाई हुई है, क्रॉपिंग पे जाना है और इसको यहाँ ग्रीन ग्रीन पर्दा है उतना ले लेना है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आप वीडियो शूट करें तो आपके पीछे ग्रीन पर्दा होना ज़रूरी है, ग्रीन नहीं तो कोई भी एक कलर का पर्दा होना ज़रूरी है, रेड हो ब्लू हो, बट वो एक ही कलर का होना चाहिए जिससे कि उसमें क्रोमा की लग पाए। चलो अब मैं इसमें क्रोमा की लगा देता हूँ, इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करते ही आप देख सकते हैं मेरा जो बैकग्राउंड वो क्लियर हो चुका है। अब इसको यहाँ से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप,
अपने हिसाब से, जैसा आपको सही लगता है मैं इतना इसको एडजस्ट करता हूँ। अब सिंपल इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और यहाँ इसको लगा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप चाहते हैं तो बड़ा भी लगा सकते हैं, जितना आप चाहते हैं उतना लगा सकते हैं। अब सिंपल आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको आना है, आप जैसे ही ये जो सेंटा सेंटा है ये गायब हो जाता है, आपको यहाँ तक लानी है अपनी वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देना है सेंटा के को, जो अजीब सा आ रहा था। अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर लेयर पे जाना है, मीडिया पर जाना है। मैं आपको ग्रीन स्क्रीन एक और दे दूँगा, वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है, वो है फायरवर्क्स, रॉकेट की, पटाखों की। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको ट्रिम कर देना है। ट्रिम करना आप सब पे आता ही है सीजर पे जाके, तो ये मैंने ट्रिम कर दिया और मैं इसको आगे लगा देता हूँ। यहाँ पर अपना सेंटा गायब हो गया था, ठीक है, मैंने ये यहाँ लगा दी। अब इसके भी आपको ग्रीन क्रोमा की को इनेबल कर देना है और इसको एडजस्ट कर लीजिए, जिससे कि ग्रीन ग्रीन बिल्कुल ना दिखे। और सिंपल आपने यहाँ पर ये ग्रीन स्क्रीन लगाई है पटाखों की, आपको यहाँ पर क्या करना है, लेयर पे जाना है, मीडिया पर जाना है। मैं आपको एक PNG दे दूँगा आपकी बार, वो PNG आपको यहाँ चूज़ कर लेनी है, जो है मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर की, और इसको आपको यहाँ लगा देना है। थोड़ी वीडियो आगे कर लीजिए और इसको यहाँ एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद इसके इन एनिमेशन में जाना है और फेड कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वीडियो को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। चलिए मैं एक और बार प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं अपना इफेक्ट बहुत अच्छा बन चुका है, और सिंपल एक इफेक्ट अपना रह गया है गाड़ी का। गाड़ी के इफेक्ट के लिए आपको क्या करना है, अपनी वीडियो जब आधी ख़त्म हो जाती है वहाँ पर आना है, लेयर पे जाना है, मीडिया पर जाना है। मैं आपको गाड़ी की PNG भी दे दूँगा, गाड़ी चूज़ करनी है सिंपल, और इसको थोड़ा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद सिंपल आपको यहाँ छोटी गाड़ी करके थोड़ी और यहाँ कोने पर लगा देनी है। कोने पर लगाने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, की के ऑप्शन पर जाना है, थोड़ी वीडियो आगे करनी है, प्लस के साइन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को एंड में ले जाना है। एंड में ले जाने के बाद आपको गाड़ी ऐसे सीधी इधर की साइड ले जानी है इस बार, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए अपना इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ ये इफेक्ट कैसा है। और अगर आप अपने हिसाब से कुछ और भी इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो वो आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया है सेम आपको वही प्रोसेस करना है। तो आप देख सकते हैं अपना जो इफेक्ट है काफ़ी अच्छा बन चुका है। और फ्रेंड्स बस इसमें एक कमी रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कार जा रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कार मेरे आगे से जा रही है, तो ये थोड़ा नकली सा इफेक्ट लग रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसमें कार पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर जाना है और कार को, सॉरी कार को नहीं, अपने ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और इसमें सेकेंड ऑप्शन ब्रिंग टू फ्रंट पर कर देना है। जैसे आप ब्रिंग टू फ्रंट पे करोगे तो आप देख सकते हो गाड़ी मेरे पीछे से जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें और अच्छा एडजस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपकी में कुछ आपके दिमाग में कुछ न्यू आइडिया आ रहा है तो, ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और आपके अपने चैनल टेक सफारी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलता हूँ, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।